Assalamualaikum children, hope you all are fine and doing very well at your homes. Okay, so before starting a topic, what we are going to do? We are going to recite the dua for increasing in my knowledge. Okay, so recite with me everyone. Rabbi zidni ilma. Okay children, this is your mathematics workbook. So take out your books and let's open page number 45 with me. Page number 45. Part 3, shapes, flat shapes. Okay, today we are going to revise one of the previous term topic which you have learned before. Okay, आप लोगों को पता है कि flat shapes हम कर चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा revision करेंगे flat shapes में, ठीक है? और उसके बाद हम page number 47 done करेंगे, जो आपका नहीं हुआ हुआ. Okay, so This is a circle, ये circle है. This is a rectangle, ये rectangle है. This is a triangle, ये triangle है. This is a square, ये square है. Okay, मैं अब आपको shapes दिखाऊंगी, ठीक है? Flat shapes. Which shape is this? Circle. C-I-R-C-L-E, circle. This is a circle. It has no side and it has no corners. And it is a rounded shape. आपको पता है कि circle किस shape का होता है? Round shape में होता है. ये देखें, round shape. Okay, और आपको पता है circle की कोई भी side नहीं होती और कोई भी corner नहीं होता. Okay students, which shape is this? Square. S-Q-U-A-R-E. S-Q-U-A-R-E. Square. Square has four sides and four corners. 1, 2, 3, 4. Four corners and four sides. 1, 2, 3, 4. Okay students, which shape is this? Triangle. T-R-I-T-R-I-A-N-G-L-E. Triangle. This is a triangle and it has three corners and three sides. And which shape is this? Rectangle. Okay, this is a rectangle. It has four corners and four sides. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 46 पे रिवीजन करेंगे. इस पे हमारी स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों को याद हैं, तो अब हम एक दफ़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर की स्पेलिंग. एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर. अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल की स्पेलिंग. टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल. अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल की स्पेलिंग. R E C T A N G L E, rectangle. And then हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सर्कल की स्पेलिंग, जो कि सबसे ईजी है. C I R C L E, circle. Okay students, अब हमें क्या करना है? अब हमें पेज नंबर 47 पे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है? अब आप लोगों ने समझ भी लिया और आपने स्पेलिंग्स भी याद कर ली, ठीक है? अब हमें क्या करना है? अब हमें इधर शेप्स ड्रॉ करनी है. वो हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, कंटिन्यू ईच पैटर्न, ड्रॉ 3 मोर शेप्स. इधर हमें क्या करना है? इधर हमें ये पैटर्न इसी तरीके से कंटिन्यू करना है और कितनी शेप्स ड्रॉ करनी है? 3 शेप्स ड्रॉ करनी है. पहले डेट मेंशन कर दी, ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें इसमें शेप्स ड्रॉ करनी है एंड कलर्स करने हैं. सबसे पहले इधर देखें कौन से शेप है. सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल. तो इन्होंने 3 शेप्स इसी के आगे से कंटिन्यू कर दी. ट्रायंगल के बाद क्या है? सर्कल है. तो इधर इन्होंने सर्कल बना दिया, फिर सर्कल के बाद इन्होंने ट्रायंगल बनाया और इधर सर्कल. इधर आपको ट्रेस करना और कलर करना. अब इधर हम आगे ड्रॉ करेंगे 3 मोर शेप्स. स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. इधर हम बनाएंगे स्क्वायर, इधर हम बनाएंगे रेक्टेंगल और इधर हम बनाएंगे स्क्वायर.
यहाँ पर देखिए टीचर ने काम कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से काम करना है। अब देखिए टीचर ने किस तरीके से काम किया है। यहाँ पर कौन सी शेप थी? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर पे ख़त्म हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ओके, विच शेप इज दिस? दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, देन स्क्वायर, फिर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर पे ख़त्म हुआ तो हमने डायमंड शेप वाले स्क्वायर पे पहले बनाया, उसके बाद हमने स्क्वायर बनाया और फिर हमने डायमंड शेप वाला स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल किस शेप में? एक हॉरिजॉन्टल वे में है और एक वर्टिकल में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? पहले हमने वर्टिकल वाला बनाया हुआ, इधर हॉरिजॉन्टल वाला है, तो अब हमें यहीं से कंटिन्यू करना है। लास्ट में कौन सा है? हॉरिजॉन्टल में, तो अब हम इधर करेंगे वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। ओके, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर पे ख़त्म हुआ तो हम कंटिन्यू करेंगे सर्कल से। ठीक है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इसके अंदर आपको कलर्स भी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो तीनों शेप्स हैं, रेड के आपने रेड शेप है तो इधर भी आपको कंटिन्यू रेड ही करना है। ठीक है, इधर ब्लू कलर हुआ हुआ है तो आपको इधर कंटिन्यू ब्लू कलर करना है तीनों शेप्स में। इधर येलो करना है तीनों शेप्स में, इधर ग्रीन करना है, इधर पिंक एंड इधर पर्पल। ओके स्टूडेंट्स, ओके चिल्ड्रंस, नाउ यू विल प्रैक्टिस इन योर होम विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।